आज का हमारा रेसिपी है टमाटो ओनियन सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमें चीज़ चाहिए, ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया। और ये 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया बारीक। और ये एक ओनियन है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और ये ग्रीन चिल्ली सॉस और ये टमाटो सॉस। और ये 6 स्लाइसेस ब्रेड के। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर टमाटो पलट लेंगे, ऑनियन पलट लेंगे, हरी मिर्च पलट लेंगे, अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको करेंगे मिक्स। और ये बाइंड होने के लिए 1-2 टेबल स्पून केचप डाल देंगे। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये है नींबू, 1/2 नींबू। आपके पास अगर आमचूर है तो आमचूर पाउडर डाल दें, मेरे पास ख़त्म है इसलिए मैं इसमें नींबू जूस डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इसे कर लेंगे मिक्स। ये देखें, टमाटो सॉस डालने के बाद इसका बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इसलिए अब ज़रूर डालें। तो चलिए, तो ये मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं, इसे मैं इस पे डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस लगा लेंगे, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमें थोड़ा तीखा पसंद है इसलिए हम इसमें लगा रहे हैं। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं और चाहे तो ना भी डालें। हल्का हल्का मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये स्टफिंग जो हमने बनाए हैं, इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक और ब्रेड के स्लाइसेस, इस तरह से डाल के हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे यूँ। देख सकते हैं, और इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। चलो दूसरा पीस भी बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने स्लाइसेस भर लिए हैं अच्छी तरीके से, अब इसे हम तवे पे सेक लेते हैं। तो चलिए सेकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने तवा लिया, गर्म हो चुका है, उसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। मैंने घी डाल दिया, तो फैला लेंगे और इस पर ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से रख देंगे और इसे पकने देंगे। जब तक एक साइड हो रहा है, जब तक हम दूसरी साइड ऊपर से घी लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो तेल या फिर बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या घी, मैं घी में बना रही हूँ। एक साइड हम इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे, 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखें, अब इसे हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। 1 मिनट हो चुका है, अब हम दूसरी साइड का भी चेक कर लेते हैं कैसा बना। ये देखें, कितनी अच्छी तरीके से इस पर परत आ गई है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चले, अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो चुका है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसी तरह से सभी को सेक लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हमारा ओनियन टमाटो सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं, मैंने इसे पीसेस बना लिए, कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और इसे बड़े हो, बच्चे हो, सभी पसंद करते हैं खाने में, और
बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये मुझे लगभग 5 मिनट लगे ये सारा प्रोसेस करने में और ये बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे ज़रूर बनाएं और बताएं, कमेंट करें। थैंक यू।